अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा तो जो ना आज हम कैनवास को रिकवर करने का तरीका आपको बताएंगे कि पुराने कैनवास को कैसे रिकवर करते हैं। इसके लिए आपके पास एक स्पंज होना चाहिए और जो आपका पुराना कैनवास है, एक ब्रश और एक कड़ौना ब्रश। तकरीबन सारा हो चुका है, जो है ना बस किनारों से रह गया है। इसके ऊपर जो है ना वो गोल्डन कलर की जो है ना ऑलरेडी खताती हो चुकी थी पहले, गोल्डन कलर की खताती पहले इसके ऊपर हुई थी, तो अभी हम उसको रिमूव कर रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही है कि आपको जो है ना कि जो पुराना कैनवास होता है ना, जो सेल नहीं होते, जो सिर्फ कस्टमर जो है ना वो अपना नाम लिखवाते हैं, उसके बाद ये नहीं कहते कि हमने जो है ना ऑर्डर करवाना है, तो आपके पास जो पुराना कैनवास पड़ा है तो आप जो है ना इस तरीके से जो है ना वो रिकवर कर सकते हैं, ताकि कोई आप और जो है ना नेम लिख सकें इसके ऊपर। ये देखें क्या हाल हो चुका है, ये देखें। ये देखें आप, अभी आपको वॉश करके दिखाएंगे इसका गाना। अभी इस ब्रश का इस्तेमाल होगा थोड़ा बहुत। अब देखें बिल्कुल फ्रेश हो गया, आपको जो है ना कैनवास बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। इसके ऊपर जो है ना वो थोड़ा पानी लगाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें बिल्कुल फ्रेश हो चुका है आपका। इसके ऊपर जो है ना आप अब बैकग्राउंड लगा सकते हैं, अच्छे से बैकग्राउंड बना के जो है ना आप दोबारा इसके ऊपर जो है ना कोई भी नाम लिख सकते हैं। इसके ऊपर नाम लिखा होता है पहले अरसलान। अच्छा मैंने ये अब रिमूव किया है ना, तो काफ़ी लोग जो है ना वो कमेंट करेंगे यार आपने जो है ना नाम रिमूव किया है तो इसका गुनाह है, ये है वो है। तो भाई आपको वो गुनाह नज़र नहीं आते जब आप जो है अल्लाह का नाम जो जिस चीज़ के ऊपर लिखा होता है, जिस पेज के ऊपर लिखा होता है, तो आप ऐसे फेंक देते हैं रोड के ऊपर, नालियों में, गंदे नालों में फेंक देते हैं, तो आपको वो नज़र नहीं आता। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके ऊपर जो है ना वो बैकग्राउंड कैसे तैयार करेंगे और इसको सही अच्छे तरीके से दोबारा कैसे खताती के लिए, कैलीग्राफी के लिए जो है ना रिकवर करेंगे। देखें कैनवास तैयार हो चुका है दोबारा राइटिंग के लिए। हाँ जी, तो अभी हम आ चुके हैं वापस, अभी आपको बताएंगे कि इसका बैकग्राउंड जो है ना कैनवास का कैसे तैयार करेंगे। पहले जो है ना इसको थोड़ा गीला करने के लिए एक पानी जो है ना उसको लगाएंगे ऊपर ब्रश के साथ। अभी ऑलमोस्ट जो है ना गीला हो चुका है, अब इसके ऊपर जो है ना वो कलरिंग करेंगे, बैकग्राउंड तैयार करेंगे। सबज और मैरून कलर जो है ना उसका हम शेड देंगे ऊपर।
देखिए माशाल्लाह जो है ना हाफ जो है ना वो काफ़ी अच्छा तैयार हो चुका है। देखिए माशाल्लाह जो है ना काफ़ी खूबसूरत बैकग्राउंड तैयार हो गया है। अभी जो है ना इसको हम थोड़ा खुश्क होने देंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। Thank you.